अटू क्षेत्र की पर्वत नदी में नाव के जरिए अवैध खनन वर्ष पर्यंत अपने अपने गांवों में किया जाता है, जिस पर खनन माफियाओं ने ग्रामीणों को नाव मुहैया करवा रखी है। बता दें कि बीते दिनों खनन हादसे में चार मजदूरों की मौत के बाद प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया है और आनन फानन में पीपलोद और पार्वती नदी पर जेसीबी की मदद से अवैध खनन के रास्ते में खाइयां खोद दी गई हैं। और उधर परवन नदी पर तहसीलदार व राहत निरीक्षक ने मौके पर मुआयना कर नदी किनारे परवन में पड़ी हुई नावों का जायजा लिया। वहीं अवैध खननकर्ताओं को सख्त हिदायत भी दी गई है। गौरतलब है कि इन दिनों परवन नदी में पानी का प्रवाह तेज है, जिसके चलते अवैध खननकर्ताओं ने अपनी नावें फिलहाल बंद कर रखी है, मगर नदी किनारे ही उन नावों को डाल रखा है। यदि इन्हें नहीं हटाया गया तो आगामी समय में प्रशासन द्वारा इन्हें जब्त किया जाएगा।